मेरे साथ भंड हो गया एक पाकिस्तानी इमिग्रेशन काउंटर पे। मेरे साथ क्या हुआ है वो साडे पूरे शहर जिड्डा ते दुबई एयरपोर्ट है यार। कौन से एयरपोर्ट पे आया था कुत्ते। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। अगर नहीं भी ठीक होते तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। आपको पता हमारे होते हुए कोई मसले वाली बात हो ही नहीं सकती। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से और आज का हमारा सफ़र है लाहौर टू लंदन वाया दुबई। दुबई में हमारा 2-2.5 घंटे का स्टे है। तो अभी मैं अपनी बोर्डिंग के लिए अंदर जाने लगा हूँ, तो फिर आगे के सीन्स आपको अंदर जाके दिखाते हैं। और आपके लिए सरप्राइज़ है, हम एक अच्छे वाली एयरलाइन में भी जा रहे हैं। हो सकता है उसमें मुझे फर्स्ट क्लास सीट भी मिल जाए। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। हाँ, मिली थी अपना रंग ही इंज दा। आप अंदर जाके बह जाना, आपका कितना नज़र आना है। अभी फिलहाल हम लोग अंदर चलते हैं और अपनी बोर्डिंग शोडिंग कराते हैं, फिर सारे सीन्स आपको दिखाते हैं। यहाँ से लंदन तक इमिग्रेशन तक आपको हर चीज़ के बारे में बताएंगे। लेकिन अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और सबके साथ ये वीडियो शेयर कर दें, क्योंकि यहाँ से लंदन तक का सफ़र आपके साथ सारा शेयर करने वाला हूँ। और इमिग्रेशन पर जाकर जो सवाल होते हैं वो भी आपको बताऊँगा। बोर्डिंग वगैरह मेरी हो गई है, इमिग्रेशन भी क्लियर हो गई है। अब मुझे काफ़ी सारा वेट करना पड़ेगा। तकरीबन 2 घंटे मुझे वेट करना पड़ेगा और 2 घंटे में पता नहीं क्या करना है। यहाँ पर फ़िलहाल एक रेस्टोरेंट ही है और ऑपोजिट साइड पे एक हुआ है और एक दो आई गेस और हैं आगे पीछे। लेकिन मैं अपना खाना फिल वक्त के लिए साथ बाइक से ही ले के आया था। भूख भी मुझे लग गई है शदीद वाली, इसे खाते हैं। उसके बाद फिर बाकी एयरलाइन में तो हमने खाना ही खाना है, लेकिन फ़िलहाल भूख को दूर करने के लिए अभी ये वाला खा लेते हैं जो अभी ले के आए हैं। के पी के और पाद के बिल्कुल फ्री हो गया हूँ मैं। और अभी आप लोगों को मैंने बताना था कि पाकिस्तानी इमिग्रेशन काउंटर पे मेरे साथ क्या हुआ है। कुछ भी नहीं हुआ। पाकिस्तानी इमिग्रेशन काउंटर पे सिंपल उन्होंने पासपोर्ट लिया, मुझसे पूछा कहाँ जा रहे हैं और उन्होंने मेरा कैश लेटर देखा, नथिंग एल्स। एक चीज़ उन्होंने बस सिक्योरिटी कंट्रोल में कहा कि आप साथ कुछ कैरी कर रहे हैं, तो मैंने कहा जी कैरी कर रहा हूँ। उन्होंने कहा इसकी क्वान्टिटी कम होनी चाहिए सिगरेट पर, तो मैंने कहा लेकिन अब तो मैंने पैक कर दिया। और उन्होंने कहा अपने इतना पैक किया हुआ इसको अनपैक करना मुश्किल हो जाएगा, तो मैंने फिर रिक्वेस्ट की तो उन्होंने मुझे जाने दिया। सो अपार्ट फ्रॉम दैट देयर वाज नथिंग एल्स। सिगरेट के सिर्फ 2 डंडे लेके आ रहा था मैं, तो उसके अलावा कुछ नहीं। अभी फ़िलहाल बैठा वेट कर रहा हूँ, क्योंकि तकरीबन मुझे अभी 1.5 घंटा 2 घंटे और वेट करना है। लेट्स सी क्या बनता है। सो जाते हैं फिर, यही हो सकता है। अभी मैं आप लोगों से कह रहा था कि मेरे साथ कोई भंड नहीं हुआ, और अभी मेरे साथ भंड हो गया एक। वो ये भंड हुआ कि मेरा जो वॉलेट था वो मैं उधर ही भूल आया जहाँ पे मेरा सिक्योरिटी चेक हुआ है। और ग्रे कलर की टोकरी थी, मेरा वॉलेट भी ग्रे कलर का था, वो उसमें ही रह गया। मेरे नाम की इतनी बड़ी अनाउंसमेंट हुई है, मेरी फट के हाथ में आ गई कि ये क्या हो रहा है मेरे नाम का। मैंने फिर जल्दी जल्दी जाकर पता किया, दे सैड योर वॉलेट इज़ हियर, चाहिए नहीं है ये। वो मैंने लिया, बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने बात की है और उन्होंने फीडबैक दिया, देन आई केम बैक। तो ये भंड हो चुका है अभी मेरे साथ। तो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, चूँकि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ इस तरह, तो हो जाता है। अब कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट अब किसी और जगह ऐसा ना हो। कह रहे भाई प्लेन हमारा आ चुका है और अब से कुछ देर बाद हमारी बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, तकरीबन मेरा ख्याल आधे घंटे बाद। मैंने अपनी ज़िंदगी में अभी तक सिर्फ अपने जैसे जहाज़ देखे थे बड़े बड़े, आज मैंने एमिरेट्स का बड़ा जहाज़ देखा है। तो मुझे यकीन हुआ मुझसे भी बड़ा कोई जहाज़ है जी। जहाज़ जिसमें हम लोग जा रहे हैं ये सारे बिजनेस क्लास वाले पैसेंजर हैं, और इनके फौरन बाद में फील तो लूँ ना कम अज़ कम बिजनेस वाली, वैसे जा नहीं सकते। तो आने के लिए उन्होंने सबसे पहले हमें मेन्यू दे दिया था। मेन्यू में बहुत सारी चीज़ें थी, मटन भी था, चिकन भी था और पता नहीं क्या क्या था। खैर नहीं थे, अपन समझ नहीं आती। खाने का मेन्यू के बाद जो है हमारा जहाज़ थोड़ी सी इन्होंने प्रमोशन किया अपनी, और उसके बाद हमारा जहाज़ कर रहा था टेक ऑफ। अस टेक ऑफ किया ना, उस वक्त हमारी बॉल्स हमारे मुँह में आ चुकी थी, बल्कि मुँह से भी बाहर आने वाली हो गई थी। हमारा अच्छा खासा तरह निकल गया था और हमारी खुश्क हो चुकी थी। उसके बाद फिर आप जो खुश्क हुई थी उसे वॉशरूम में गीला करने गए थे। वॉशरूम में जाकर ज़रा गंद डाला और थोड़ी अपने ये जगह बनाई है पेट में, फिर हमारा खाना आ गया। खाने में हमारे पास था जी मटन कीमा और साथ में नान, एंड देन वी हैड जूस, बन, दही था हमारे पास, हमारे पास हुमस था
और पानी की बोतल थी ना वगैरह जो है। फिर हमने तसल्ली से रगड़ा, दही से ही खाया, और दही के फौरन बाद हमने जो है ना मटन कीमा और नान खाया। मटन कीमे और नान के बाद हमने सारे जो डब्बे खाली किए हैं उनको एक जगह पे इकट्ठा करके रख दिया, और फिर उसके बाद हम लैंड कर चुके थे। फ्लाइट के दौरान खाना शाना खा के ऐसा खूबसूरत तरीके से सोया हूँ ना मैं कि उठाऊँ तो दुबई पहुँच गए। आए हाय हाय, बंदे की ज़िंदगी यही चस वाली होनी चाहिए कि बंदा सोए कहीं और उठे कहीं और। काश मैं ऐसा सोऊं कि मैं अमेरिका च उठा, पर नहीं ना हो नहीं सकता। दुबई पहुंच गए हम लोग, अभी हमें अपनी दूसरी बोर्डिंग की तरफ जाना। लेट्स सी, 2 घंटे हमारे पास, और जो एयरपोर्ट बहुत बड़ा है वो साढ़े पूरे शहर जिड्डा तो दुबई एयरपोर्ट है। दुबई पहुंच गया, एयरपोर्ट ही नहीं ख़त्म हो रहा। अभी फ़िलहाल मैंने अपना देख लिया है कि मेरा कहाँ पे है। A2 वाली साइड पे मैंने जाना है, गेट लेट सी किस साइड पे A2 पूछते हैं। इमेजिन कर रहे हैं कि आप एयरपोर्ट कितना बड़ा है, इस एयरपोर्ट से ट्रेन मुझे लेके जाएगी वेटिंग हॉल तक, एंड ऑल ऑफ द पीपल आर वेटिंग फॉर द ट्रेन। सो आई एम काफ़ी सारा सफ़र तय करने के बाद मैं पहुँचा हूँ भाईजान। अच्छे अच्छे ब्रांड अब मुझे नज़र आना शुरू हो गए, डियोर, गुची, ओ माय गॉड, शनेल। इन्हें सारी ज़िंदगी असी सोशल मीडिया से ही देखी है, तो हूँ जाके जड़ा ना सानू असल विच इन्हों छावा नज़र आई हैं। खैर बात सिर्फ इतनी है कि पहले कभी देखा भी नहीं था ओरिजिनल, अब अगर देख लिया है, देखे तक पहुंच गए तो ले भी लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। खैर शामी काम खींच के रख, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आई एम जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट, अभी मैंने A2 में जाना है, A1 से A2 A12 हो नीचे की तरफ जाना पड़ेगा आई गेस। हमें वहाँ से शनेल का शोरूम, ओ माय गॉड, रिच रिच फील आ रही है मुझे अभी यहाँ आके। सानू हाले साड़ी थान ही नहीं लगती, बिचते बह के असी वेट करना, पता तो चले हमें कहाँ पे है। थक गया हूँ मैं, अब घूम के फिर इस साइड पे आ गया। बहुत बड़ा एयरपोर्ट है भाई, बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, मेरे से सांस हो गए हैं। लेट्स सी कि क्या होता है अब। A1 A12 ओके, अभी फिर यहाँ से मुझे फिर सीधा जाना पड़ेगा भाई। ट्रेन भी बदल ली है, कुछ 3 लिफ्टां भी बदल लिया ने, पर मैनू A2 लिफ्ट नहीं करा रहा। शनैल का बैकग्राउंड कभी तुम वेख्या? अच्छ तुम शनैल का बैकग्राउंड भी विखा देना, लो वेख लो फिर शनैल का पिछवाड़ा। दुबई एयरपोर्ट पे शनैल का पिछवाड़ा मैंने दिखा दिया आप लोगों को, सच अ शिट आई एम। इधर वो सामने A2 आना है, ये डे और मैंने आपको दिखाया, इधर से मैं बिल्कुल सीधा गया हूँ, आगे से घूम के वापस आया हूँ। हाय शामी, गरीब बंदा वड्डी थान ते आ गया तो बोंद लगे है, पता ही नहीं लग रहा कि करना। खैर अब वो A1 तो मुझे नज़र आ गया, और वो A1 से आगे A2 भी हल्का हल्का नज़र आना शुरू हो गया मुझे। चलो A2 तक जाते हैं, लेकिन एयरपोर्ट पे इधर आना है, कोई इतना ज़्यादा क्राउडेड नहीं है एयरपोर्ट। शायद सुबह सुबह का टाइम, मेरे ख्याल 11:30-12 बजे का टाइम है, इस वजह से मे बी दिस कैन बी द रीज़न, लेकिन पता नहीं, इतना रश नहीं है। खैर सानू की फाइनली भाई हमें हमारा A2 मिल गया, ये हमारा वेटिंग एरिया, और ये एमिरेट्स का इधर काउंटर भी लगा हुआ है। यहाँ से अब हमारी परवाज जो है वो अगली होगी, और ये देखें जहाज़, मेरा ख्याल है यही होने वाला है क्योंकि पहले भी हमारा यही वाला था। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। इंटरनेट की तलाश में मारा मारा फिर रहा हूँ और मुझे इंटरनेट नहीं मिल रहा। इंटरनेट जो दुबई एयरपोर्ट का कनेक्टेड है वो चल ही नहीं रहा, नीदर व्हाट्सएप, कोई चीज़ चल ही नहीं रही, समझ नहीं आ रही। समझ से बालातर हुई पड़ी है चीज़ कि वो चलता भी है कि नहीं, अगर चलता है तो वो VPN के ज़रिए चलता है या कैसे चलता है, समझ नहीं आ रही। मैंने कहा लेट्स जस्ट रोम अराउंड और फिर देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है, अगर कहीं इधर उधर आगे पीछे बैठ के चलता है तो। अपनी मैंने वो वेटिंग एरिया पर मैंने अपना बैग रख दिया, सुना है कि भाई जान दुबई में आप कोई चीज़ पड़ी हो तो कोई बंदा हाथ नहीं लगाता। लेट्स सी क्या होता है, जे तो गया तो फिर अपना गया सारा कुछ, खैर उस मेरा कुछ है नहीं है ज़्यादा।
दोस्त है उसके कपड़े शपड़े हैं, बाकी मेरे सारा सामान तो बड़े वाले लगेज में है, वो तो वैसे ही चला जाएगा जहाज़ के अंदर। लेट्स सी, फिरते हैं उतनी देर, देखते हैं क्या सूरत है। अभी हमारे पास 1.5-2 घंटे हैं। हमारा जो है दोबारा से बोर्डिंग हो गई है। वी हैव टू वेट, आई थिंक तकरीबन आधा घंटा और वेट करना पड़ेगा। तो अभी फिलहाल आई हैव जस्ट एंटर्ड, बोर्डिंग क्लियर करके लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आई थिंक वी आर गोइंग डाउनस्टेयर्स। बोर्डिंग लेवल गेट A2 मुस्तवा सऊद الطائره البوابه A2. थैंक यू वंस अगेन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। दुबई आइए तो इतने गंद ना पाइए, ऐसा हो नहीं सकता। तो गंद आप पा दिता, नाले फ्लाइट के अगले खाने की जगह भी बना ली आप। तड़ हवा जरा ना रगड़ा लाना, जिमें पिछली बार रगड़ा लाया सारा ही। चलिए अपनी तकरीबन 15-20 मिनट बाद फ्लाइट जी डिपार्चर है। दूसरे प्लेन की हमारी बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है, लोग जाना शुरू हो गए, मैं भी बस निकलने लगा। चलते हैं हम लोग, फिर आपको अंदर जाके दिखाता हूँ। अभी आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है और मेरे लिए भी, कि हमें पिछली जो सीट मिली थी वो बिल्कुल मिडल में थी, अभी हमें विंडो वाली सीट मिल चुकी है। और विंडो वाली भी कुछ सादा विंडो वाली नहीं, वो वाली जो कि बिल्कुल इसके साथ, इसके बार के साथ बिल्कुल। ओह माय गॉड, व्हाट अ सेक्सी सीट आई हैव गॉट, मज़ा आने वाला है। वैसे लेग स्पेस थोड़ी सी कम है, लेकिन कोई बात नहीं, इस विंडो के साथ और इसके साथ आई कैन मैनेज, कर लेंगा मैनेज। चलो जी, मज़े आने वाले हैं अभी हमें। मैं अपनी ड्रीम सीट तो मिली है, लेकिन उसके साथ हमें एक फ़ायदा और भी हो गया। मेरे साथ वाली सीट पे पैसेंजर कोई नहीं है, तो आप लत्त सीधियाँ करके रात सुते जाना है, हूँ आप 8 घंटे इंशाल्लाह खाना खाने तो बस सो जाना, तसली के नाल सो के उठ के पहुँचेंगे उसे। के फौरन से बाद हमारा फिर से खाना आ चुका था, और खाने में इस दफ़ा हमारे पास चिकन और चावल थे, देन वी हैड पन, हमारे पास जैम था, हमारे पास बटर था, हमारे पास एक उन्होंने स्नैक के लिए बिस्किट दिया हुआ था। खाना खा के मैं तसल्ली से सो गया था, उसके बाद जब उठा हमें दोबारा फिर से उन्होंने जो है खाना दे दिया। उन्होंने कहा जी इंजॉय करो, कॉफ़ी शॉफ़ी पियो, क्योंकि तकरीबन 1.5 घंटे में हम लंदन पहुँचने वाले हैं, तो मुझे सामने स्क्रीन पर लंदन नज़र आ रहा था। तो उसके बाद हम लोग एयरपोर्ट के ऊपर पहुँचे, और पहुँचने के बाद हमने तसल्ली से लैंड किया। फाइनली हमारी फ्लाइट लैंड कर चुकी है, और अभी बस इमिग्रेशन क्लियर करते हैं, लेट मी गो आउट, और कुछ ज़्यादा इमिग्रेशन के बारे में आपको बाहर जाके बताता हूँ। लेट मी जस्ट क्लियर इट आउट, पहुँच तो मैं गया हूँ, शुक्र है फाइनली। इमिग्रेशन मैंने क्लियर कर ली थी, और उसके बाद आई एम जस्ट हेयर टू कलेक्ट माई बैग, अपना बैग कलेक्ट करते हैं, बाहर चलते हैं। इमिग्रेशन में मुझसे कुछ ज़्यादा सवाल नहीं पूछे गए, सिर्फ उन्होंने मुझसे मेरे कैश लेटर का पूछा, एंड और बस ये पूछा कुछ देंगे और फाइनेंसिस आई डोंट नो। तो उन्होंने मुझसे बस ये पूछा कि आपके फाइनेंसिस कौन है, दैट्स इट। कि जो लोगों ने बवाल मचाया हुआ है कि क्या हो गया कैश लेटर पे, आपको ये पूछ लेंगे, वो पूछ लेंगे, फलां कर लेंगे, ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ।
बहरहाल मेरे साथ ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ। इमिग्रेशन क्लियर करके मैं बाहर आ गया हूँ। दोस्त मेरे पता नहीं किधर हैं, वो लोग नहीं मुझे नज़र आए अभी तक। उन्होंने मुझे बोला तो है कि वो बाहर ही है। आ गए आ गए, घटिया शख्स। अरे तू लंदन च भी छोड़ आई, तू लंदन च भी छोड़ आई, तू लंदन च भी छोड़ आई ब्रो। इंटरनेट नहीं, दूसरा मेरा मोबाइल पास नहीं है। मैं इसको खुश आज चोरी अच्छा यार, अब ये सारे लोग आ गए, हम लोग फिलहाल देखते हैं कहाँ जाना है और फिर घर चल निकलते हैं। इंशाल्लाह आपको मिलते हैं अगले किसी व्लॉग में। अल्लाह ताला आप सबका हामी नजर। व्लॉग देखना आपने नहीं बोलना, लाइक कमेंट शेयर भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना आपने बिल्कुल नहीं बोलना। इंशाल्लाह आपको मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। अल्लाह ताला आप सबका हामी नजर। बाय बाय।